राम राम साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको ओढ़ने में बेलबुंटी लगाना बताने वाली हूँ। काफ़ी वर्ष को बेलबुंटी लगाना आता होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वर्ष के कमेंट भी आए हुए हैं कि दी हमें ओढ़ने में बेलबुंटी लगाना बताइए, इस पे एक डिटेल सी वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में मैं आपको फुली डिटेल में बेलबुंटी लगाना बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने अपने चैनल राजस्थानी कल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आपको जो घंटी वाला बटन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको फटाफट मिल जाए। हम आज पीले में बेलबुंटी लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको पीला दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो आप, लड्डू गोपाल बंदेज का बहुत ही खूबसूरत सा पीला, बूंदी बढ़ती सब देखिए बहुत ही बारीक है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए साथियों, ये पीला मैंने झुंझुनू के कपड़ा मार्केट में लालजी बंदेज हाउस नाम से शॉप है वहाँ से लिया है। 1800 रुपये में मैंने इसे परचेज किया है। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा पीला है, और इसी में हम ये वाली बूंटी और बेल ऐड करने वाले। आप देख सकते हो कंदले की बूटी है, ये 20 बूंटी हमने 700 रुपये में ली है और 350 रुपये की ये बेल है। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है। यदि आपके पास बड़े बूंटे हैं तो आप 15 भी ऐड कर सकते हो। मैंने छोटी बूंटी ली है तो हम इसमें 20 बूंटी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नीचे की जो लाइन बनानी है उसमें हम 5 बूंटी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हो, मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ, फिर हम इसे गोंद से चिपकाएंगे। आप चाहो तो इसे धागे से सिल भी सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ बेल को धागे से लगाया है, सिलाई की है, और बूंटी को सिर्फ गोंद से चिपकाया है। ये देखिए साथियों, मैंने आपको ओढ़ने पे पूरी बूंटी लगा के दिखा रखी है। अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, दो पार्ट का ओढ़ना है और ये जो लाइनिंग है ये इसका बीच का पार्ट है। ये देखिए, इसमें हम एक नीचे की लाइन बनाएंगे, उसमें सिर्फ 5 बूंटी ऐड करेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल बराबर आपको गैप देना है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट लाइन बनाने वाले हैं, ये दोनों बूंटी है नीचे वाली, उसके बीच में एक बूंटी लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में हमारी 4 बूंटी आने वाली है, और फिर से अगली लाइन हम बीचों बीच चांद पे बनाने वाले हैं, तो उसमें हमारे 5 बूंटे आएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ओढ़ने में जब भी हम पल्ले की साइड बूंटी लगाएं तो ये जो बीच वाली लाइनिंग है इससे नीचे लगाएंगे। आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, यदि और भी नीचे लगाना चाहो तो वैसे लगा सकते हो। और जब पेटी की साइड लगाएं तो इस लाइनिंग से ऊपर लगाएंगे और आपकी 19 बूंटी लगेंगी। एक एक्स्ट्रा बूंटी यहाँ पर, थोड़ा गैप ज़्यादा आ जाएगा तो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो आप देख सकते हो हमने फर्स्ट लाइन में 5 बूंटी लगाई, उसके बाद में 4, फिर से 5 और एक बूंटी हमने बीच में लगा दी, तो हमारी 15 बूंटी हो गई। अब ऊपर की साइड हम दो लाइनिंग बनाएंगे, फर्स्ट में हम 3 बूंटी लगाएंगे कुछ इस तरह। आप देख सकते हो नीचे वाली जो 3 बूंटी है उन्हीं के बराबर में लगाएंगे और उसके बाद ऊपर 2 बूंटी लगाएंगे। सबको हमें चिपकाई है गोंद से, आप देखिए फटाफट मैंने गोंद से इनको चिपका दिया है। और जब बूंटी को हम गोंद से चिपकाएं तो ओढ़ने के नीचे न्यूज़पेपर ले लीजिए, ताकि फर्श पे कहीं भी निशान नहीं हो और ये बिल्कुल आपकी बूंटी इजीली चिप जाएंगी। ओनली 5 मिनट आपको बूंटी लगाने में लगेगी। हमने ओढ़ने में सारी बूंटी 5 मिनट में लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसके फटाफट चारों ओर बेल लगाएंगे। हम इस पीले में जो बेल ऐड कर रहे हैं वो पल्ले की साइड से कर रहे हैं। आप चाहो तो पहले पेटी की साइड से भी लगा सकते हो। आपको बेल को बीचों बीच से स्टार्ट करना, आप देख सकते हो इस लाइनिंग के बीचों बीच से स्टार्ट करना है। मैंने वहीं से 5 से स्टार्ट किया है, ये देखिए। और हम इसको सुई धागे से सिलेंगे, थोड़ा सा बेल को फोल्ड कर लेंगे ताकि ये निकले नहीं, और फटाफट हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये आप देख सकते हो हमें मिलता जुलता धागा लेना है। जैसे ही हम बेल लगाकर ओढ़ने के कोने पे पहुंचेंगे तो बिल्कुल इसको हमें अच्छी तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल इसे स्लो दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, और अब हम इस कोने को धागे से सील देंगे। अब हम चारों ओर लेस लगाकर पेटी की साइड आ गए हैं। तो पेटी की साइड आपको क्या करना है, जो बीच का हिस्सा है इससे आपको एक बिलान, देख सकते हो मैंने ऊंचाई से लिया है और इसको कट किया है। आप चाहो तो अपनी पेटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और हम इसको फोल्ड करके थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, ताकि ये निकले नहीं बिल्कुल अच्छे से। और अब हम इसको सिलाई करके अच्छे से सिक्योर कर देंगे।
हमने इस बेल की एक साइड से सिलाई कर ली है और अब हम इसको दूसरी साइड से भी सिलाई कर देंगे फटाफट। अब ओढ़ने की तीनों साइड से बेल लग चुकी है, सिर्फ एक सर वाला हिस्सा बचा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सर की साइड से हम दोनों साइड डाई डाई ब्लान को छोड़ देंगे। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हो। यदि आपका बांकड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, कम बचा है तो कम भी कर सकते हो। और कुछ लोग सर पे डबल भी लगाते हैं, लेकिन बेल यदि आप लगाओ तो उसे सिंगल ही लगाओ। यदि आप नॉर्मल बांकड़ा लगाओ, कम चौड़ा है, तो आप उसे डबल भी लगा सकते हो। मैं इसमें बेल ऐड कर रही हूँ तो मैंने सिंगल लगाया है। और ये देखिए हमारा ओढ़ना बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आ गया हो कि ओढ़ने में बेल बुंटी कैसे ऐड करते हैं। और यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।